है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज मैं आप सभी लोगों को परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए परसेंटेज का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिशत, और प्रतिशत दो शब्दों के मेल से बना है, प्रति जोड़ शत, जिसका अभिप्राय है प्रत्येक सौ में कितना, प्रत्येक सौ में कितना। जैसे यदि हम बोलते हैं कि 1%, इसका मीनिंग है 1/100। यदि हम बोलते हैं 2%, तो इसका मतलब होता है 2/100। यदि हम बोलते हैं 3%, तो इसका मतलब होता है 3/100। यदि हम बोलते हैं 4%, इसका मतलब होता है 4/100। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आप जानते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि भिन्न क्या होता है। भिन्न ऐसी संख्या होती है जो x बटे y के रूप में रहे। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, और ये x बटे y के रूप में रहेगी। x को न्यूमरेटर कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग अंश कहते हैं, और y को डेनोमिनेटर कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में हर कहते हैं। तो भिन्न फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो x बटे y के रूप में रहे, जिसमें x न्यूमरेटर कहलाता है, हिंदी में इसे अंश कहा जाता है, और y डिनोमिनेटर कहलाता है, और हिंदी में इसे हर कहता है। तो आइए देखिए, हम चेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट ए में दे रखा है 4%, 4% को हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 4 लिख लेंगे, और परसेंटेज का मतलब होता है बाई 100, और इसको काट देंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी जो हमारा फ्रैक्शन निकल के आएगा वो होगा 1/25। ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड है 5%, इसको उसी तरह से करेंगे, 5/100 लिख लेंगे, और 5 के टेबल से काट देंगे इसे, 5 2 जा 10, और 5 0 0, 5 1 जा 5, तो 1/20 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप 10% का भी, 10% को भी फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, 10/100, तो इस तरह से काट देंगे, 1/10 आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से एफ लास्ट 25%, 25/100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, किसी भी फ्रैक्शन को अर्थात भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 100 हम लोग मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन के रूप में है। क्यों फ्रैक्शन के रूप में है, क्यों भिन्न के रूप में है, क्योंकि ये x बटे y के फॉर्म में है, ये x बटे y के फॉर्म में है, दैट मीन्स कि अंश बटे हर के रूप में है, या आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, इसीलिए ये फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग अब चेंज करते हैं परसेंटेज में। तो इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसमें हम लोग 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 जा 10, 2 0 0, 50% हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में जब हम लोगों को बदलना हो तो उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर बी है 1/4, इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 1/4 × 100 करेंगे,
फोर टू जा एट, फोर फाइव जा ट्वेंटी, तो 25% हम लोगों का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो है 25% का 25% कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स वीक होता है, तो उनके लिए भी यह वीडियो है। मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू किया है, तो आप ध्यान से देखिए। आपका मैथ यदि वीक होगा तो आप जरूर सीख जाएंगे। देखिए 25% का 25% कितना होगा। 25% का 25% इक्वल टू व्हाट, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 25% का मतलब होता है 25/100, का मतलब होता है इनटू, और 25% का मतलब फिर से 25/100। अब इसको क्या करेंगे, इसे काट देंगे। 25 1 जा 25 25 4 जा 100, फिर यहां भी काट देंगे 25 1 जा 25 25 4 जा 100, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16, तो 1/16 आंसर हो जाएगा। लोगों का क्वेश्चन है वो है 300 का 25% का 20% क्या है। तो हम लोगों को निकालना है, देखिए इसका सॉल्यूशन आप कीजिए अपने से। देखिए 300 का 25% का 20% पूछा है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां 300 को 300 लिख देंगे, इसका का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 25% का मतलब आपको हमने बताया 25/100, 25/100, फिर का मतलब मल्टीप्लाई, और 20% का मतलब हो गया 20/100, 20/100। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 00 से 00 कट जाएगा, 25 4 जा 100 होता है, 4 5 जा 20 होता है, तो 5 3 जा 50, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इसमें पूछा गया है कितना का 11.5% इक्वल टू 46 होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे हम लिखेंगे कि माना कि x का 11.5% इक्वल टू 46। बहुत इजी वे से बनाना है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए x और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसे हम लोग तोड़ लेंगे 11 2 जा 22, और जितना प्रोडक्ट आएगा इसमें ऐड कर देंगे 23/2, परसेंटेज का परसेंटेज इक्वल टू 46। देखिए एक्स इंटू ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, इसको लिखेंगे 23/2 और इंटू में यहां 100 कर देंगे इक्वल टू 46। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 23x, और यहां हो जाएगा आपका 23x इक्वल टू 46, और यहां डिवाइड में है तो इधर इक्वल के इस अनदर साइड जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 इंटू 100। अब क्या करेंगे, ये जो 23 इसके साथ मल्टीप्लाई में है इसको हम इधर डिवाइड में ले आएंगे इक्वल के ये साइड 23 2 जा 46, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4, और 4 इंटू 100 400, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि कितना का 11.5% इक्वल टू 46 होगा। तो आप मान लीजिएगा कि x का 11.5% इक्वल टू 46, x का x बैठा दीजिएगा, का वैल्यू आप मल्टीप्लाई पुट कीजिएगा, क्योंकि क्या का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 11.5% को आप तोड़ लीजिएगा, 23/2% आ जाएगा, और 46 लिख दीजिएगा।
एक्स इंटू 23 बाय 2 परसेंटेज का मतलब हम बताए थे कि बटा 100 होता है, इक्वल टू 46 कर देंगे 23x, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखिए इक्वल के ये साइड 46 है और ये डिवाइड में है, तो इक्वल के वो साइड जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई 2 इंटू 100, इसके बाद ये 23 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो बराबर के ये साइड आके ये डिवाइड में हो जाएगा। फिर इसको काट देंगे 23 2 46, और इसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचा है तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम 400 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हूँ, आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन करके हमसे पूछ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।